Assalamu alaikum class, I hope you all are good. Today we are going to start this snare. It's a poem by James Stephens. ये James Stephens ने ये poem लिखी थी. James Stephens कौन था? वो एक poet था, Irish novelist and poet था. और ये जो था ये Ireland में रहते थे. ठीक है, ये जो snare है ना, snare बोलते हैं फंदे को. ये फंदा क्या होता है? ये जो पोइम है ये इसके बारे उस फंदे से रिलेटेड है, जो कि अक्सर ना जो हंटर होते थे ना, शिकार करने वाले, वो अपने रास्ते में ना खरगोशों को पकड़ने के लिए एक फंदा लगा देते थे. और उस फंदे से क्या होता था, उसके साथ एक स्टिक लगी होती थी, जैसे कि ये लगी हुई है ना स्टिक, और ये फंदा है. तो इससे क्या होता था, वो या तो उनके गर्दन उस चक्कर में जकड़े जाती थी, या उनका कोई हाथ पांव जकड़ा जाता था, जिससे अगर गर्दन जकड़ी गई है तो वो उससे मर भी जाते होते थे अक्सर. तो ये उसी से रिलेटेड है कि ये पोइम जो है, ये दिस पोइम इज़ अबाउट अ चाइल्ड जो कि आवाज़ सुनता है एक खरगोश की जो कि चला रहा होता है, रो रहा होता है. लेट्स स्टार्ट इट. वर्ड्स टू नो. एड, एड यानी मदद, हेल्प. रिंकलिंग, मेकिंग लाइन्स, रिंकल्स अपियर ऑन द फेस. चेहरे पे जो झुर्रियाँ बन जाती हैं उनको रिंकल्स बोलते हैं, यानी चेहरे पे लाइनें बन जाना. स्टार्ट करते हैं पोइम. आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन. मुझे एक अचानक रोने की, दर्द से चलाने की या रोने की आवाज़ सुनाई दी. देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर. यहाँ एक खरगोश फंदे में था. बट आई नाउ आई हेयर द क्राई अगेन. अब मुझे दोबारा से उसके चलाने की आवाज़ सुनाई दे रही है. बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा या ये नहीं बता पा रहा कि कहाँ से आ रही है. बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ से आ रही है. ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड. वो मदद के लिए चला रहा है. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर. इस खौफ ज़्यादा हवा में वो चला रहा है या रो रहा है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. हर शय को, हर चीज़ को खौफजदा कर रहा है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. हर शय को या हर चीज़ को खौफजदा कर रहा है. रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस. अपने चेहरे पे वो झुर्रियाँ ला रहा है या शक्लें अपनी बना रहा है. एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड. और वो फिर से मदद के लिए चला रहा है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. लेकिन मैं वो जगह तलाश नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. और मैं वो जगह तलाश नहीं कर पा रहा हूँ. वेयर हिज पॉ इन द स्नेयर. जहाँ उसका जो पाव यानी पंजा फंदे में है. लिटल वन, ओ लिटल वन. छोटे, एक छोटा, ओ एक छोटा. आई एम सर्चिंग एवरीवेयर. मैं तुम्हें हर तरफ तलाश कर रहा हूँ. ये हमारी पोइम है. ठीक है, ये हमारा हो गया. इसके साथ हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं बुक वर्क. आंसर दी क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम दी पोइम. हमने ये लाइन्स जो है, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. ये हमें दी गई है लाइन. हमने बताना है कि ये किसके बारे में. हु इज़ क्राइंग. कौन क्राई कर रहा है? रैबिट. वाई इज़ ही क्राइंग. क्यों वो रो रहा है? क्योंकि हिज पॉ इज़ इन स्नेयर. क्योंकि उसका जो पाँव है वो फंदे में है. What is he crying out for? वो किसके लिए चला रहा है या रो रहा है? He is crying for aid. वो मदद के लिए चला रहा है. What does the boy do when he hears the cry? He is searching for him. वो उसके लिए, उसकी तलाश कर रहा है. Next है working with words. Write the singular form of the. हमने जो है, जैसे वाह जमा होती है ना, उसी तरह है singular. हमने इसके singular, ये plural दिए गए, हमने इसकी singular form लिखनी है. Worries क्या है? Worry. Lorries, lorry. Cherries, cherry. लेडीज, लेडी. लिलीज, लिली. और यहाँ है सी इफ़ यू कैन फाइंड द नाउन्स विच हेल्प टू मेक दिस एडजेक्टिव. हमने ये, हमें एडजेक्टिव दिए गए, हमने इसका नाउन बताना है. हेल्दी, हेल्थ. स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है. इसका नाउन क्या है? स्ट्रेंथ. ग्रेट का क्या है? ग्रेट ही है. ब्यूटीफुल का क्या है नाउन? ब्यूटी. वेटी का क्या है? वेट. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाएगा. बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे. अल्लाह हाफिज़.